रहेगा बेटा, टॉप रैंकर इज्जत से आ। थर्ड पार्टी से हर बार मतलब होता है जैसे हम बोलते हैं इस चीज को, वो यहाँ पर भी इसके लिए फायदा पहुंचता हुआ नजर आया, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, क्योंकि वो जो खिलाड़ी जिनने अभी के लिए, तो चलिए आपको एक तरीके से उनके अटैक करने से आपको हेल्प मिलेगी, बट फिलहाल के लिए यहाँ पर हम बात करें टीएसएम की फाइट के ऊपर। जरूर आना चाहिए सामने यहाँ पर गॉडलाइक का चैलेंज, फिलहाल के लिए क्या कर पाएंगे, कोई जी गॉड इकलौते उनके साथ क्लच गॉड, लेकिन शैडो का जो फ्लैंकिंग एंगल था ये काफी बेहतर था, लेकिन जोरो एंड ब्लेज इनके ऊपर आ चुकी है अब जिम्मेदारी। जोरो तो देखिए बहुत दूरी पर नजर आ, लेकिन चलिए ब्लेज जो है उसी कंपाउंड के अंदर फिलहाल के लिए यहाँ पर नजर आ, लेकिन क्या रहेगा, क्योंकि फिलहाल के लिए जो इन्फॉर्मेशन है गॉडलाइक के पास वो यही है कि दो कर नॉकआउट है और यही मौका है, इकलौता ही खिलाड़ी यहाँ पर ब्लेज की ओर रहने वाले। यहाँ पर टीवीएस भी है उनके पास, क्लोज रेंज के लिए काफी दोनों फाइट्स को उतना ज्यादा समझ नहीं पाए, फिस्ट किया जाएगा यहाँ पर क्लच गॉड के द्वारा, तो पूरे मैच में पैन फिस्ट का दबदबा, शैडो करेंगे स्क्रीन को भी फिस्ट और तीन